ये है हमारी काम वाली शिफा। आपको कैसे लग रहा है? कैसे देखते हैं? इतना स्लो चलता है। ये हमने आधा किलो कीमा लिया है, यहाँ पर दो पैकेट ये डाला हुआ है। वक्त का कुछ हसीन सीतम ऐसे हुआ मेरे साथ। सबसे मेन चीज हम भूल गए हैं कि गैस उन्होंने इतना सस्ता वाला क्यों नहीं लिया। ये सिर्फ 20 मिनट की इंस्टेंट रेसिपी है। वेलकम ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? सो गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैं आपको कुछ यूनिक दिखाने वाली हूँ। मैं हूँ अकेडमी में, लेकिन आज मैं कुकिंग करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता। तो मैंने सोचा था मैं कबाब बनाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली रात के 8 बज रहे हैं और मुझे मशीन वाला कीमा नहीं मिला, तो मुझे नॉर्मल कीमा मिला है। तो मैं आज आपसे एक इजी पीजी कीमा वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम लोग मिर्च कलिया बोलते हैं। तो मेरे साथ रहो, हम बनाने जा रहे हैं। ये है सारा। सारा सी हाय। सो गाइस सैलून बंद होने का टाइम हो चुका है, इसलिए हम आज थोड़ा सा काम कर रहे हैं। पीछे देखो, पीछे। मेरे साथ चलो, मैं कुकिंग भी करती हूँ, मैं मेकअप भी करती हूँ, और मैं सब कुछ करती हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ। ओके, ये है हमारी काम वाली शिफा। शिफा तुमने धो दिया है क्या? देख सकते हैं ये कीमा हमने धो दिए हैं, हमने बोले तो इन्होंने अपने हाथों से। अभी चाय बन रही है। इन लोगों को चाय बहुत पसंद है। यस, ये मेरी एकेडमी है, आप लोग शौक होंगे। हमने किचन भी बना रखा है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना काम होता है कि कभी कभी रात को 4-5 बज जाते हैं, और ये सारी बिस्लरी है और यहाँ पर इतना पसारा है। ये रूम हमारा स्टोर रूम जैसा है, और इसको तो आप देखते होंगे। मैं आती हूँ बीच में फुटेज खाने। हाँ, ये बीच में फुटेज खाने आती है, और ये पर्दा बीच में ऐसे लगा रहता है, ठीक है। और ये हमारी एकेडमी है। अभी बहुत सारा प्री ब्राइडल हुआ है ना, इसके लिए थोड़ा सा मैसअप है। ओके, तो डोंट माइंड। हाय सारा, तेरे को बुर्का चाहिए? सो हम भी थक जाते हैं, थोड़ी सी रील बना लेते कभी कभी। आज थोड़ा सा फ्रेश मूड है, इसके लिए मैं आज कुक कर रही हूँ। लोगों को सिर्फ ईद के दिन मेरे हाथ का खाना मिलता है, लेकिन आज सबकी स्पेशल डिमांड पे हम लोग को शेरकुमा खाना इनके हाथ का, और इतना भाव खाती नहीं लड़की की क्या ही बोलने। आप सबको पता है ना मैं कितना बिजी रहती हूँ, और हाँ मेरा डेली आपको देखना है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो जरूर करना, और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अगर आपको बुकिंग करना है, मेरा काम अच्छा लगा तो मुझे बुक करो। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी आप हो तो आपको सर्विस मिलेगी। ओके, और ये हमारा सैलून है, एस्थेटिक भी है, सब कुछ है मेरे पास, जो आपको चाहिए मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग के पास सब कुछ है, हम लोग को सोने खाने पीने की कोई चीज की टेंशन नहीं है, सब कुछ है एकेडमी में, इसलिए हम लोग दो दिन हो जाता घर भी नहीं जाते। ओके, सो यहाँ पर फ्रेंडली माहौल चल रहा है, नजर मत लगाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो गाइस देखिए हमारी मेकअप आर्टिस्ट क्या काम कर रही है, पुदीना साफ कर रही, धनिया साफ कर रही है। आई एम हाउस वाइफ ऑल्सो, एंड मैं अच्छी कुक भी हूँ। क्या बना रहे हो आप आज? तो मैंने बताया है पहले ही, तो कमेंट करो, चीटिंग नहीं करना। मैंने क्या नाम बताई कल बनाओ। कितनी मेहनत लगती है नहीं सारी चीजें बनने। ये है हमारी मुस्कान जो हमेशा फुटेज खाने आ जाती है। हाँ, जैसे ही कैमरा चालू होगा वैसी है, घुसेंगे एकदम, ऐसा ऐसा घुसेंगे। आ रही हूँ ना। हाँ एकदम, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो गाइस मैंने जैसे आपको बताया कि मैं रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ। ये मैंने प्याज काटे हैं, प्याज आपको ज़्यादा लेना है। मेरे पास अभी फ़िलहाल एकेडमी में हूँ, सिर्फ 3 ही थी। और टमाटर भी ज़्यादा लेना है, सारे आपके मसाले हमको डालना है। तो आपको कैसे लग रहा है? कैसे देखते हैं? मेरे को तो मतलब आउट ऑफ द प्रोफेशन लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अपनी लाइफ में। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी, आप ट्राई जरूर करना, आपको सच में अच्छी लगेगी। और आप सारा मेकअप एकेडमी को टैग भी करना इंस्टाग्राम पे, इनका ऑफिशियल पेज है सारा प्रोफेशनल एंड सारा मेक मी अप एकेडमी, तो आप इनको टैग जरूर करना जब आप ये रेसिपी ट्राई करोगे। एग्जैक्टली, अगर आप बिजनेस वुमन हो ना तो ये आपकी, और आप नॉन वेज हो, आपको नॉन वेज के बिना चलता नहीं मेरी तरह, तो आप इंस्टेंटली बना सकते हो। कोई मसाला काटिए, आप खड़े होकर कुकर में भी डायरेक्ट कर सकते हो। मैं बैठ के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है अभी, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी बनाना हो तो आप डायरेक्ट कुकर में सारे मसाले एक साथ डाल सकते हो, मैं जो आपको बता रही हूँ। आगे देखते रहो। ओके, अभी हम चाह रहे हैं बनाने। ये है ना, इसका बैकग्राउंड आप इग्नोर करो, इसको खंगाले, ठीक है। मुझे हर चीज़ खंगाल के लेने की आदत है। ये खंगाला हुआ है? हाँ हाँ, अभी धो के रखे। तो आई एम लेडी, तो हम यहाँ पर गैस चला रहे हैं,
ये मेरा घर नहीं है बाय द वे, ये मेरा सैलून है। ये स्लो क्यों चल रहा है, इतना ही स्लो चलता है? नहीं वो छोटा वो वाला स्लो चलता है। ओके okay. तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर कुकिंग कर रही हूँ। उस पर रख दो बर्तन, रख दो देखे उसका फुटेज में मत अपलोड मार दी तुमको। ठीक है तो हमने पहले कुकर गरम करना है, फिर हम तेल तेल कहाँ पर है देखो यहाँ पर आ गए। तो हमको तेल डालना है, थोड़ा सा ज्यादा डालना है ओके, क्योंकि हम सारे अच्छे मसाले डाल के बनाएंगे। इसमें हमने तेज पत्ता डाल दिया है और राई, और ये हम अच्छी लाल मिर्ची डाल रहे हैं। ठीक है इतना होने के बाद ये जो हमने कट किया हुआ है प्याज और टमाटर ये डाल देंगे। देखना पहले तेल गर्म हुआ है कि नहीं। वेल डन, चम्मच दो। ठीक है तो मिक्स करेंगे और हम गैस स्लो कर देंगे। ठीक है तुम्हारे पास जो भी जितने भी मसाले हैं, जैसे कि ये कोथमीर हो गया, सब मसाले हमको डायरेक्ट डायरेक्ट डाल देना है। अच्छा मुझे हल्दी मिर्ची नमक सब दे दो, चार दो। ओके सो आप लोग जरूर बताना मैं कैसी लगी हूँ खाना बनाते हुए। ब्यूटीफुल। तो ये कोथमीर भी हम अच्छी अच्छी डाल दे रहे हैं। अच्छा कोथमीर डाली मैंने, अब ये कीमा जो कि हमने धो के रखे हैं। ये मुस्कान ना बीच में फुटेज लेने आ जा रही है बार बार। ठीक है ये हमने आधा किलो कीमा लिया है यहाँ पर। ठीक है ये हम कीमा डाल दे रहे हैं। ठीक है इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट दो। गाइस थोड़ी सी हल्दी लेंगे। अच्छा ये एंटीसेप्टिक होती है। ठीक है थोड़ी सी हल्दी लेना है और ये कोरिएंडर पाउडर है, इसको धनिया पाउडर बोलते हैं। ये हमको थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में डालना है। ठीक है ठीक है थोड़ा ज्यादा डालेंगे। मैं कितनी कर रही हूं डालेंगे अभी मैं अपने 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून नहीं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डाल रही हूं, आपको जितना डालना है डाल दो। फिर मिर्ची पाउडर ये सारे मैं एवरेस्ट पे यूज कर रही हूं, ये भी हमको लेना है। ऑलरेडी हमने मिर्ची डाली हुई है। ठीक है और मैं हम अक्खी मिर्ची भी डालेंगे और ये गरम मसाला ये भी एवरेस्ट का है, तो इसको हम थोड़ा सा डालेंगे ज्यादा नहीं। समझ गया। ठीक है हल्का सा बनकर like अभी हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये डेक्कन का पेस्ट है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये मेरा सैलॉन है, एकेडमी है, यहाँ पर कुछ भी चीज है सहूलत नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो हम रेडीमेड चीजों से आज खाना बना रहे हैं। ओके डोंट माइंड, वी आर सो हाइजेनिक। इसके लिए हम ज्यादा टिटिम में नहीं करते। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम आधा किलो गोश्त ले रहे हैं इसलिए हमने 2 पैकेट ये डाला हुआ है, रेडीमेड आता है ये। बस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमको मिर्ची को बीच में से चीरना है और डाल देना है, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और मैं भी ज्यादा तेज नहीं खाती हूँ। 2 मिर्ची मेरे ख्याल से इनफ होगी। ओके अब इसको हमको अच्छे से यहाँ दिखाओ मिक्स करना है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और सबसे मेन चीज हम भूल गए हैं नमक, बात तो सही है। ठीक है अब हम नमक डालेंगे। कितना नमक डालेंगे? नमक डालना है टेस्ट के अनुसार, यहाँ पर स्पून वगैरह नहीं है इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डाल रही हूँ। 1.5 स्पून डालो और नमक केक, मेरी आदत है कि मैं सूंघ के डालती हूँ, मेरा ऐसा फेथ है कि सूंघ के डालते हैं तो नमक सही होता है खाने में। ओके मैं पहले बहुत खाना बनाती थी, मैं शादी से पहले बहुत खाना बनाती थी, शादी के बाद भी बनाती थी, फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई और मैं खाना बनाने छोड़ी। खाना बनाते बनाते बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई, लोग शेफ बन जाते हैं, मैं मेकअप आर्टिस्ट, बट ये मेकअप आर्टिस्ट बन गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यस वक्त का कुछ हसीन सीतम ऐसे हुआ मेरे साथ कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्रोफेशनल सक्सेसफुल बिजनेस वुमन और मैं मेरे प्रोफेशन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ। सो गाइस हम लास्ट ऐड कर रहे हैं नमक, वैसे मैं कुछ चम्मच से नहीं चुनता है इसलिए मैं डाल दे रही हूँ ऊपर से ही, और एक मिक्स करके हमको खाली ढक देना है। ओके आप ये रेसिपी से 2 प्याजा भी बना सकते हो। ओके
ये बेसिकली उसी की रेसिपी है, इसमें खाली प्याज ज्यादा होती है। तो हम आते हैं फिर जब बन जाएगा तब। खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है, बस मेरे खाने में खुशबू अच्छी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस सी लुक एट दिस, ये इस तरह से बन गया है और कीमा ऑलमोस्ट गल गया है। ठीक है, कीमा पूरी तरह से गल गया है और माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग अभी फाल गैस पे रखेंगे इसको। अरे अभी थोड़ा गीला हो गया है और मैं मेरा स्टाइल बता दी पाव गर्म करने का, तवा गर्म करो डायरेक्ट गैस पे पाव गर्म करो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये आपको बेकरी वाले पाव का ये गैस तुम लोगों ने इतना सस्ता वाला क्यों लिया? वो मैं गई थी ना लेने दी थी इसलिए। वैसे भी हमारा सैलून है, इसके लिए काम चलाओ चल रहा है। हाँ गाइस हमारे सब खाने आओ। ए गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल चप्पल छोड़ गया। हम फर्स्ट हां स्टार्ट कर। हम फर्स्ट और गाड़ी चला। क्या डाले दीदी इसमें? अभी मैं इसमें कोथमीर डाल रही हूं। हां ये सब पकने के बाद डालेंगे। कोथमीर का मजा तब आता है जब कोथमीर हल्की कच्ची हो। गाइस हमारा मिर्च कलिया रेडी हो चुका है और यकीन मानो ये सिर्फ 20 मिनट की इंस्टेंट रेसिपी है, वो भी कीमा गलने को टाइम लगा इसलिए। ओके अभी हम इसको टेस्ट करने जाएंगे और सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे साथ खाने चलो, हम पाव के साथ खाने जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस अभी हम सर्व कर रहे हैं, इसमें हम 4 जन खाने वाले हैं इसलिए 4 जन के हिसाब से ले रहे हैं। शिफा मैडम तो डाइट पे है, वो नहीं खाएंगी। सी द कलर जो है, हम लोग खा रहे हैं। शिफा कैसा लगा? बहुत ही अम्मी मास्टर की अच्छी है। मेरी डाइट चल रही है, मेरे को थोड़ा सा खा सको ना। तेरा क्या बोला तूने? डाइट चल रही है। मुझे किसको पार्सल मांगना है? पार्सल क्यों? डाइट चल रही है, तुमको पार्सल चाहिए वो भी नॉन वेज। अच्छा अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।